दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस 55 प्लस सिंगल फाइनल मैच में। पवन कपूर और आलोक पटनागर, सीड वन एंड सीड टू, टू बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट इन द फाइनल। Excellent return from Pawan Kapoor. Both the players has represented India. Some announcement from the officials. Players want to settle down. The announcement doesn't affect the play. Alok Patnagar, who played a match against Lakshmikant Tanwar yesterday, fell in the last stage of the second set on the grass due to the slippery conditions in the evening. तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फिसलते हैं तो एक तरह से शेक कर जाते हैं अंदर तक, और उसका इफेक्ट आपके गेम में देखने को मिलता है। लेकिन आलोक पटनागर ने काफ़ी अच्छा उसको हैंडल किया और मैच क्लोज किया कल, और अभी सीड वन के साथ फाइनल खेलते हुए। दोस्तों, अभी इससे जस्ट पहले स्वर्णदीप सिंह ढोडी जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए थे। हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमको हिंदी में कमेंट करना चाहिए तो उसी के चलते आज हम हिंदी में बात करेंगे। फिफ्टीन लव, ये मैच जो कि फाइनल मैच है 50 प्लस का, सीड वन और सीड टू फाइनल में मिल जाएं, किसी भी टूर्नामेंट के लिए ये बहुत बड़ी घटना होती है कि जो उस टूर्नामेंट के बेस्ट दो खिलाड़ी हैं वो फाइनल खेल रहे हैं। अभी ये पहला सेट खेला जा रहा है और पहले सेट में 3-4 पे पवन कपूर सर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैच अभी ऑन सर्व चल रहा है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और ये मंद मंद ठंडी हवा और ये सुनहरी धूप, प्लेइंग कंडीशन काफ़ी शानदार है। बट आपके पास वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, मतलब आंसर करने के लिए कोर्ट में होते हैं, तो जो मौसम है वो थोड़ा गर्म लगता है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट फील्स टू द आउटसाइडर। पवन कपूर सर्व करते हुए, ये बैकहैंड देखिए, वाह, ड्रॉप शॉट के लिए जाना चाहते थे आलोक पटनागर, थोड़ा सा शॉट पड़ा बॉल। पवन कपूर चंडीगढ़ से आते हैं और आलोक पटनागर लखनऊ से। शानदार सर्व एंड बॉडी, ये पास आउट जाता हुआ। पवन कपूर होल्ड करते हैं अब ये 8वां गेम और ये 4 गेम ऑल इन द फर्स्ट सेट। इस तरह के मैचेस जब आपको देखने को मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी के चलते डीसी टेनिस क्लब का ये प्रयास रहा है कि ये मैच ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों और ऐसे लोग जो खेलना चाहते हैं उन तक पहुंच पाए, लोग सीखें। और इतना ही नहीं, जब प्लेयर भी खुद को खेलते हुए देखते हैं तो वो भी इस चीज़ से सीखते हैं, बिकॉज़ एक थर्ड
एंगल आपको मिलता है अपने आप को देखने का। ये स्लाइस बाहर जाता हुआ लॉग 15। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज डीसी टेनिस क्लब का बर्थडे है। आज के ही दिन एक साल पहले इस चैनल की शुरुआत हुई थी और आपका बहुत प्यार और सहयोग मिला उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ये बॉल आउट जाता हुआ आउट कॉल चेयर अंपायर से लॉग 30 महत्वपूर्ण नवा गेम पहले सेट का एक बात की बहुत बहुत तारीफ करनी होगी। आलोक भटनागर लॉग 30 डाउन बिल्कुल भी शेक नहीं हुए। मैं ये देखता हूँ इन वीडियोस को बनाते टाइम आमतौर पर खिलाड़ी जब इस सिचुएशन में होता है फोर ऑल लॉग 30 डाउन तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ड्रॉप हो जाती है जो यहाँ देखने को नहीं मिला। ये चीज़ हम लोग इन टॉप प्लेयर्स का मैच देख के सीख सकते हैं। सेकंड सर्व 15-30 ये बॉल बाहर जाता हुआ इनसाइड आउट फोरहैंड के लिए जाना चाहते थे बाद में खुद इशारा करते हुए कि उनको क्रॉस कोर्ट जाना चाहिए था बट उस टाइम आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है। 15-40 एंड सेकंड सर्व ये स्लोअर पेस चेंज सारा पेस चेंज कर दिया गया आप देखें सेकंड सर्व में और उसको सेफ जोन में डाल के आलोक भटनागर ने किस तरह से ये गेम पॉइंट या ब्रेक पॉइंट बचाया। 30-40 अभी भी एक गेम पॉइंट है। रिकॉर्ड और ये बॉल बाहर जाता हुआ इस तरह से पवन कपूर ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवा गेम ब्रेक कर लिया और वो 5-4 की बढ़त के साथ सेट के लिए सर्व करेंगे चेंज ओवर के बाद। दर्शकों को मैं बता रहा था कि आज डीसी टेनिस क्लब का बर्थडे है और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में डीसी टेनिस क्लब को बर्थडे बोल सकते हैं। आज के दिन यानी 23 अक्टूबर को डीसी टेनिस क्लब का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं पवन कपूर टावल के अंदर अ लिटिल ऑफिस इन द कोर्ट। आप कट ऑफ होना चाहते हैं सब कुछ से आप एक ब्रेक अप हैं आप विजुलाइज करते हैं कि आप कैसे खेलने वाले हैं नेक्स्ट गेम को। आप देखें एक छोटा सा मेडिटेशन बिकॉज जो विजुअल इमेज होती हैं आप आसपास देखते हो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे आप ध्यान नहीं दे पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इवन ड्यूरिंग द चेंज ओवर हम लोग सीख सकते हैं इन काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को देखते हुए। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिखें और कमेंट में हैप्पी बर्थडे डीसी टेनिस क्लब ये ज़रूर लिखें। पवन कपूर रेडी टू सर्व फॉर द सेट। ये वॉली बाहर जाता हुआ स्लाइटली बेस लाइन के बाहर लॉग 15। सो वैन वॉली देयर इज एन एरर लॉग 30। पिछला गेम में सर्व ब्रेक हुआ था और उसके ही अगली गेम में लोग कहते हैं ना कि जो सबसे मुश्किल गेम होल्ड करना होता है वो होता है ब्रेक के बाद लॉग 30 क्योंकि अपोनेंट काफ़ी एक्टिव हो जाता है उसको बस ब्रेक बैक करना है अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। तो वही आपने देखा आलोक भटनागर काफ़ी अलर्ट और लॉग 30 अप मामला कर
15:30, serve and volley from Pawan Kapoor. Look at the body language. Bahut hi shandar serve. Ball is good. Both umpire and Alok Bhatnagar signaling, that means it's 30 all. What do you think is coming up? Is it serve wide and volley? Let's see. Now. Beautiful pass from Alok Bhatnagar. Break back point for Alok Bhatnagar. Second seat. It's 30-40. Oh my god, from hands at the net from Pawan Kapoor saves the break point. That means this game is going to be decided by the golden point. Oh my god, look at that. Look at that. Pawan Kapoor saves two break points and takes the first set. 6-4. Thank you for watching. Viewers, do like and subscribe for more.